हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 21 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स एडवर्टाइज सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल है वो है चंद्रयान 2 मिशन को लेके। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इंडिया का यह पहला मून मिशन नहीं है, इंडिया का यह सेकेंड मून मिशन है। हाँ, स्वदेशी अगर हम बात करें कि भाई जो सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किए गए हैं वो पहली बार इंडिया ने यूज किए हैं। इससे पहले भी इंडिया ने, आपको बताया, राकेश शर्मा जो हमारे आते थे वो गए थे चांद पे, तो वो एक्चुअली इंडिया के थ्रू नहीं गए थे। मतलब इंडिया ने खैर भेजा था, बट वो बाहर की एजेंसी की हेल्प लेके भेजा गया था। इस बार इंडिया ने जो चंद्रयान 2 मिशन भेजा है वो पूरा स्वदेशी है, इंडिया ने खुद को इसको डेवलप किया है। अब इसके लिए आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था। देखो, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था GSLV Mark 11 Mark 111 M1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, GSLV, जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, MK 111 M1। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का यूज है वो किया गया था। और एक चीज़ ये, मून के ऊपर पहुंचने वाला इंडिया पहली कंट्री नहीं है, चौथी कंट्री है। इससे पहले भी US है, वो मून पे जा चुका है, रसिया जा चुका है, चाइना जा चुका है, और चौथे नंबर की बात करें तो आता है इंडिया। अब देखो, बात ऐसी है, जैसे आपको मैं समझाऊँ यहाँ पे। हाँ, ये है मान लो चांद। तो चांद का जो नॉर्थन पोल है ना, ये हो गया नॉर्थन पोल, ये हो गया साउथन पोल। नॉर्थन पोल वाले हिस्से में तो क्या है कि हमने काफ़ी सारे मतलब एक्सपेरिमेंट, जैसे US ने भी कर लिए, रसिया ने, चाइना ने, बाकी कंट्रीज भी ट्राई कर रही है। मतलब यहाँ पे तो इन्होंने कुछ ना कुछ भेज दिया। बट जो मून की साउथ पोल है ना, ये एक्चुअली डार्क साइड है। मतलब यहाँ ये एक्चुअली अर्थ की साइड नहीं होती, तो ये हमें दिख नहीं पाती है। तो इस वाले हिस्से पे अभी तक कोई भी ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल या कोई भी स्पेस क्राफ्ट ऐसा कुछ भी भेजा नहीं गया था, कोई भी रॉकेट वगैरह। और ये इंडिया पहली बार कर रहा है। खैर, एक अभी देखो रिसेंटली एक इसराइल की एक मतलब स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था यहाँ पे बेरेसेट। इसका थोड़ा नाम ध्यान रखना, अभी न्यूज़ में था ये बेरेसेट। बेरेसेट बेसिकली इसराइल ने जो मून है ना, हमारा चंद्रमा चांद है, इसके साउथ पोल पे भेजने के लिए एक प्रोब बनाया था सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू। बट हुआ क्या, ये यहाँ पहुँच तो गया, बट यहाँ पहुँचते ही क्या है, मतलब ये क्रैश हो गया था। तो यानी कि सब ये जो मिशन था इसराइल का ब्रेथसेट, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अभी इंडिया का मिशन है, वो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सक्सेस है वो हो जाएगा। तो अगर इंडिया का जो ये है चंद्रयान 2 मिशन है, अगर ये सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंडिंग कर लेता है सॉफ्ट लैंडिंग, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री होगी जिसने चांद की जो साउथ साइड है, जिसे डार्क साइड हम कहते हैं साउथ पोल वाले हिस्से में, वहाँ पे अपनी सॉफ्ट लैंडिंग है वो करेगी। पहली ऐसी कंट्री होगी, बाकी किसी भी कंट्री ने अभी तक यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुली आयोजित नहीं किया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। काम क्या है चंद्रयान 2 मिशन का? देखो, चंद्रयान 2 मिशन है ना, वो बेसिकली चांद की स्टडी करेगा, जो चंद्रमा की सरफेस है इसकी स्टडी करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जो रॉक है इनका क्या क्या मतलब किन किन से मिलके बनी हुई है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पे पानी के सबूत हैं, या फिर हम बात करें आइस वगैरह के कोई भी एविडेंस वगैरह हैं, इन सब की स्टडी है वो यहाँ पे की जाएगी। चंद्रयान 2 मिशन है, इसमें देखो इंडिया ने एक लैंडर भेजा है और एक भेजा है रोवर। लैंडर का मतलब है कि जो लैंड करवाएगा, जैसे मान लो कि ये, हाँ, ये चांद हो गया और यहाँ पे इंडिया ने अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा। अब भाई वो पहुँचने के लिए कोई रनवे टाइप का कुछ तो लैंड तो होना चाहिए ना, तो इस तरीके से कुछ टाइप का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वहाँ पे लैंड करवाएगा। और रोवर का काम क्या होता है, ये एक पहियों की गाड़ी होती है, 3 4 5 जितने भी पहियों की गाड़ी होती है, ये क्या करती है, वहाँ पे इधर उधर चांद की सरफेस पे घूमेगी और जो डाटा सैंपल है इनको कलेक्ट करके उसके बाद में इनकी रिसर्च स्टडी की जाएगी। तो जो लैंडर है इसका नाम तो है विक्रम, और जो रोवर यूज किया गया है इसका नाम है यहाँ पे प्रज्ञान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, और इंडिया का सेकेंड मून मिशन है, ना कि पहला है। हाँ, साउथ पोल पे पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला मिशन ये हो जाएगा। अभी देखो कंटेक्स्ट ये आया था कि जो चंद्रयान 2 है वो एक्चुअली मून की जो ऑर्बिट है इसमें पहुंच चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही है सरफेस पे लैंड है वो कर लेगा। तो एक तो आपको इसराइल का जो ये प्रोब मिशन है ना ब्रेथसेट, इसका थोड़ा नाम ध्यान रखना है कि भाई ये इसराइल ने साउथ पोल पे भेजा था बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बीच में ही खत्म हो गया वहां लैंड करते टाइम। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एंटी टीबी ड्रग्स। देखो, टीबी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले छोटा सा। आपने काफी बार नाम सुना होगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बेसिकली है एक बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली एक डिजीज है। और एक फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि ये जो टीबी है ना, ये पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड होती है, यानी कि एक इंसान को अगर टीबी है तो उसके कॉन्टेक्ट में दूसरा पर्सन रहता है तो उसको टीबी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा हम बात करें टीबी के पेशेंट, तो इंडिया में टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और उनको अंदर देखा जाए तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की प्रॉब्लम देखी जा रही है।
अब क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी? देखो आपको पता है कि टीबी का कोर्स मेनली काफ़ी लंबा होता है, लगभग 6 महीने के आसपास इसका कोर्स चलता है। अब कई बार क्या होता है, जो पेशेंट है टीबी का, वो क्या है दवाई लेना शुरू करता है तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रिलीफ फील होता है, तो उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया। तो पेशेंट क्या करते हैं, किसी ने महीने पर दवाई ली, किसी ने 2 महीने दवाई ली, और फिर वो दवाई छोड़ देते हैं बीच में। और उसी दौरान क्या होता है, जो टीबी का वायरस, जो हम बात करें बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये क्या है वापस से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, मतलब वापस फैलना शुरू हो जाता है। और अब क्या होगा, जैसे कि मान लो किसी भी पर्सन ने 2 महीने दवाई ली और फिर टीबी या मेडिसिन या जो कोर्स था उसे बीच में ही छोड़ दिया, अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है ना टीबी का उस पर्सन में, वो क्या करेगा, वो जो दवाई ले रहा था ना पेशेंट, उनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। मतलब कि अगर वो पर्सन अगर वापस उन दवाइयों को लेगा तो उसका कोई असर नहीं होगा उन बैक्टीरियाओं पे, वो बैक्टीरिया एक ऐसा अपने आप को क्रिएट है वो कर लेते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं इनके अगेंस्ट वो बैक्टीरिया होता है वो एक लेयर डेवलप कर लेते हैं ताकि उनका उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो सके, और फिर वो टीबी काफ़ी हाई हो जाती है, और उसके लिए फिर काफ़ी हैवी डोज देने पड़ते हैं, काफ़ी महंगी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके ट्रीटमेंट होता है और उनका काफ़ी लंबा साइड इफेक्ट भी होता है। तो अभी जो ये एंटी टीबी ड्रग्स डेवलप किया गया है ना, ये बेसिकली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर पेशेंट दवाई कंप्लीट नहीं करता है उस कंडीशन में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इसके भी लिए काम की जाएगी। इसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसका नाम है प्रीटेमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका नाम यहाँ पे है प्रीटेमेंट। ये बेसिकली यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना FDA, उसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। और हाँ, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के अगेंस्ट काम करेगी, इससे पहले भी काफ़ी सारी मेडिसिन बन चुकी हैं, तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है। किसके द्वारा अपनाई की गई है, यूएस के द्वारा बेसिक इसको डेवलप किया गया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी होती है इसके अगेंस्ट इसका यूज़ किया जाएगा। टीबी फैलता किससे वो हमने देखा, और पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड करता है, और काफ़ी गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण है वो धीरे धीरे पता चलता है, और कई बार काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है अगर एक्सट्रीम कंडीशन पर टीबी पहुँच जाती है तो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को लेके, यानी SO2 एमिशन को लेके। अभी देखो रिसेंटली एक ग्रीन पीस एक NGO है इंडिया, उसके द्वारा एक रिसर्च एक स्टडी है वो जारी की गई थी, मतलब उनका एक डाटा रिलीज किया गया था, एक रिपोर्ट एक तरीके की। उस डाटाबेस में क्या कहा गया कि भाई इंडिया है ना वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करने वाली कंट्री है, मतलब इंडिया में सल्फर डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है। और ये जो डाटा है ये बेसिकली नासा का एक सेटेलाइट है जिसका नाम है ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सेटेलाइट। इस सेटेलाइट के डाटा से पता चला है कि भाई इंडिया में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हाँ, आपके दिमाग में आया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता किससे है। देखो जो कोल प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट कोयले से चलते हैं, उनके जब एमिशन होता है ना, जब कोयले का हम दहन करते हैं, तो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है बहुत बड़े लेवल पे, और उसी की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में फैलती है। और आपको पता है कि हमारे देश में जो भी थर्मल पावर प्लांट है ना वो बेसिकली कोयले से चलते हैं ज़्यादातर अभी भी, और इंडिया के अंदर जो कोयला मिलता है उसके अंदर हम बात करें तो क्वालिटी कम होती है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता, सल्फर ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन फैल जाता है। तो जब कोयले को बर्निंग करते हैं, बर्न करते हैं, उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड एमिट है वो होता है। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड का एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ चार्ट भी था, ये रहा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो इसमें डाटा दिया गया है कि सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे इंडिया का है, ये आपको दिख रहा होगा इंडिया है, वो हम बात करें तो हर साल लगभग 4,586 किलो टन है सल्फर डाइऑक्साइड को एमिट करता है, जबकि रशिया कम कर रहा है, और हम बात करें जो हमारा यूएस है वो तो काफ़ी कम कर रहा है, और चाइना भी बहुत कम कर रहा है। तो ये बात सामने यहाँ पे आई है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखो सबसे बड़ा यही है कि इंडिया में जो मैक्सिमम कोल जो प्लांट हैं वो कोयले बेस्ड हैं, और कोयले की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है, तो ये एक मेजर रीज़न है। इसके साथ जो डीजल व्हीकल्स होते हैं उनसे भी खैर सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन है वो होता है, जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक वो साबित होती है। तो ये हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन के बारे में कुछ फैक्ट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है फ्लाई ऐश को लेके। तो सबसे पहले तो हम फ्लाईज देखते हैं। देखो जो भी ये पावर प्लांट होते हैं इनमें कोयले का जब एमिशन होता है ना, तो उस दौरान फ्लाई ऐश लास्ट में जो राख बचती है ना,
टास्क, उसको बोला गया है फ्लाईएस। और ये जो फ्लाईएस होती है ना, इसमें 2.5 पर्टिकुलर मैटर है वो काफ़ी तादाद में पाया जाता है। मतलब ये फ्लाईएस है वो PM2.5 का काफ़ी बड़ा एक रीजन बोल सकते हो, एक सोर्स है। इसी के साथ ही फ्लाईएस में हैवी मेटल भी पाए जाते हैं, और हैवी मेटल कहाँ होते हैं, ये कोयले के बर्निंग से आते हैं। इसी के साथ ही फ्लाईएस में ब्लैक कार्बन भी होता है, जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। अब देखो, ये तो हमने देखा है कि फ्लाईएस में क्या क्या होता है। अब कंटेक्स्ट यह है कि अभी IIT जो हैदराबाद है ना, उनके साइंटिस्ट ने एक नई स्टडी, एक नया मतलब तरीका ईजाद किया है, जिससे क्या होगा कि फ्लाई एस को वाटर प्रूफिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फ्लाई एस है, इसमें कुछ एसिड या कुछ केमिकल मिलाए जाएंगे, और फिर उसको वाटर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ताकि फ्लाई एस का जो भी है मतलब बच जाता है हमारे देश में राख है, इसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये अभी एक नई स्टडी है वो की गई है। अब देखो, जो फ्लाई एस है इसमें निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, इस तरह की जो टॉक्सिक या जो हम बात करें हैवी मेटल है वो पाई जाती हैं, और ये इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। और अगर एक बार ये फूड चेन में घुस जाती हैं तो फिर इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और इनसे काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये ध्यान रखना कि जो फ्लाई एस होती है, ये न्यूक्लियर जो वेस्टेज होता है ना, इससे भी ज़्यादा रेडिएशन फैलाती है। तो ये थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब ये है कि जब भी न्यूक्लियर का दहन होता है ना, तो लास्ट में जो कचरा बचता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। तो उस कचरे से भी रेडिएशन फैलता है, परंतु फ्लाई एस के द्वारा जो रेडिएशन फैलता है उसकी मात्रा न्यूक्लियर वेस्टेज के रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 100 गुना ज़्यादा है वो होती है। तो ऐसे इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि फ्लाई एस में क्या क्या होता है, सोर्सेज क्या हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कोयले के बर्निंग से एक मेजर रीजन होता है, और हमारे देश में मैक्सिमम जो पावर प्लांट हैं वो कोयले बेस्ड ही हैं, इसीलिए फ्लाई एस से वो काफ़ी भारी मात्रा में उत्पन्न होता है। इसका यूज हम बात करें तो फ्लाई एस तो एक तो देखो सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है वो किया जाता है अभी तक ज़्यादा, इससे ईंटें बनाई जाती हैं, तो इस तरीके का इसका यूज है वो खैर अभी तक किया जा रहा है, बट अभी नई स्टडी सामने आई है। लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है, वो है वन महोत्सव को लेके। देखो, वन महोत्सव है ना, ये एक एनुअल ट्री प्लानिंग फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए एक फेस्टिवल वो आयोजित किया जाता है, और इसका फोकस ये रहता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, और इसी के साथ ही न्यू प्लांटिंग है, न्यू प्लांटेशन है, उस पर ध्यान एकत्रित करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। तो ये कुछ जो आज के आर्टिकल थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।